The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, dosto, kaise hain aap? Main hoon Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, bahut sare videos humne banaye hain, aap hamare channel pe dekh sakte hain. वीडियोज़ सारे वेरीफाइड ऑथेंटिक नॉलेज के साथ हैं, US नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से वेरीफाइड है, आप भरोसा कर सकते हैं. अपने पसंदीदा टॉपिक पे, अपने हेल्थ कंसर्न पे वीडियो ढूंढने के लिए सिर्फ उस हेल्थ कंसर्न का नाम और डॉक्टर एजुकेशन YouTube पे टाइप करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा और उसे ज़रूर देखिए. आज हम बात करेंगे आपके नाखूनों में जब फंगस लग जाता है, फंगल नेल इन्फेक्शन का. जी हाँ, नाखून में फंगस ग्रो हो सकता है, नाखून के अंदर भी, नाखून के आसपास भी, क्योंकि फंगस जो है वो ऐसी चीज़ है जो डेड टिश्यू पे ग्रो कर सकता है. जैसे आपके हेयर्स पे, नेल्स पे, स्किन के आउटर मोस्ट लेयर पे, जहाँ पे डेड टिश्यू होता है. सो ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन बहुत दूसरी तरीके से भी होता है, बहुत कॉमन है. आपको एथलीट्स फुट हो सकता है, जैसे आपके पैर के अंगूठे के टोज के बीच में आपको जॉक इच होता है, जो आपके ग्रोइन रीजन में पैंट के नीचे, पैंट के अंदर जहाँ खुजलियाँ होती हैं. रिंग वर्म हो सकता है स्किन में, बॉडी में, हेड में, कहीं पे भी. वैसे ही फंगल टोनेल इन्फेक्शन होता है. ज़्यादातर केस में फंगल नेल इन्फेक्शन जो है पैरों में ज़्यादा कॉमन है, ग्रेट टो में सबसे ज़्यादा कॉमन है. और टो में जो होता है वो होता है आफ्टर, जब आपको फीट का, जो फीट का एथलीट्स फुट होता है, उस इन्फेक्शन के बाद ज़्यादातर केसेस में. और ये आपके फिंगर्स में भी हो सकता है, छोटे पैरों के, और इवन हाथों में हो सकता है, लेकिन टो में ज़्यादा कॉमन है. ठीक है, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, ओल्ड एज में उतना ज़्यादा कॉमन होता जाता है. आपको ज़्यादा रिस्क होगा अगर आपको डायबिटीज़ है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है. पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ का मतलब है कि खून की नसें जो कोने कोने में जा रही हैं आपके हाथों में, पैरों में, वो सही से काम नहीं कर रही, तो खून नहीं पहुंच रहा. पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ हैं, यानी खून नहीं के अलावा इलेक्ट्रिकल नसें, नर्व्स आपके हाथों पैरों में सही से नहीं पहुँच रही, राइट. और अगर माइनर इंजरी होगी स्किन में, नेल्स में, नेल्स डिफॉर्म्ड है, नेल्स टूट गए हैं, उसमें फिर चांसेस बढ़ जाते हैं. और अगर आपके स्किन को गीला रखा बहुत लंबे समय के लिए, इम्यून सिस्टम ही वीक है, या फैमिली हिस्ट्री है, सबको होता है फैमिली में, या फिर अगर आप ऐसा शूज़ पहनते हैं जो बहुत टाइट और बहुत बंद हैं और प्लास्टिक के हैं जिसमें हवा अंदर नहीं जाती, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको फंगल टोनेल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगस ग्रो हो सकता है आपके नाखूनों में. अगर ऐसा होगा तो आपके नाखून बदलने लगेंगे, एक से ज़्यादा नाखून में दिक्कत होती है और हो सकती है, और ज़्यादातर आपके पैर के बड़े अंगूठे के नाखून में हो सकता है, राइट. उसमें क्या होगा, नाखून का शेप बदल सकता है, वो ब्रिटल आसानी से टूट सकता है, उसमें बाहर की जो एजेस हैं वो क्रम्पल हो सकती है, कई बार उसके नीचे डर्ट डेब्रिस जमा होकर ट्रैप हो जाता है, बंद हो जाता है, नाखून लूज़ हो सकता है या लिफ्ट अप ऊपर की तरफ आ सकता है, उसके ऊपर की जो शाइन है, लस्टर है, वो चला जाएगा और नाखून मोटा थिक हो सकता है. कई बार नाखून के साइड में वाइट या बीच में वाइट या येलो स्ट्रीक्स भी आ सकती हैं, ये सब हो सकता है. आपके डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आपको जाना है, डर्मेटोलॉजिस्ट आपके नाखून देख के बता देंगे कि ये फंगल इन्फेक्शन है, और कंफर्म करने के लिए नाखूने के ऊपर की थोड़ी सी स्क्रैपिंग लेके जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो दिख जाता है फंगस कौन सा है, कैसा है. फंगल कल्चर करेंगे तो उसको 4-6 हफ्ते लगेंगे, उससे पहले ट्रीटमेंट कर सकते हैं. अगर आप बोलोगे मैं ओवर द काउंटर क्रीम लगा लेता हूँ, मैं ऑइंटमेंट लगा लेता हूँ, फंगल क्रीम, फंगल ऑइंटमेंट, तो उससे ये नहीं ठीक होता, ज़्यादातर केस में हेल्प भी नहीं करता. नाखून में फंगस आ गया तो उसको फिर दवा की ज़रूरत है, प्रिस्क्रिप्शन एंटी फंगल मेडिसिन आपको मुंह से खानी पड़ेगी और लंबे समय खानी पड़ेगी फंगस को क्लियर करने के लिए. ऐसे केस में 2 से 3 महीने तक खानी पड़ जाती है दवा. और अगर वो आपके पैर के अंगूठे में है, अंगूठे वाले में, और छोटे, उससे कम समय के लिए खानी पड़ सकती है अगर छोटी उंगलियों में है तो.
और साथ ही इतने लंबे समय के लिए एंटीफंगल लेना है तो लिवर को रेगुलरली चेक करना होता है बीच में कि लिवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, लिवर में कोई डैमेज तो नहीं हो रहा। लेज़र ट्रीटमेंट भी एक ऑप्शन है जिससे फंगस भी निकल सकता है, लेकिन लेज़र मेडिसिन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। मेडिसिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेज़र भी एक ट्रीटमेंट है, और कुछ केसेस में पूरा का पूरा नेल निकालना पड़ सकता है। याद रखिए, फंगल नाखून में फंगल जब लग जाता है, फंगस लग जाता है, तो वो नया नाखून आने के बाद ही पूरी तरह से क्योर होता है, ठीक होता है, जो नया नॉन इन्फेक्टेड नेल है। और ये नेल, ये नाखून धीरे धीरे ग्रो होता है। सही मात्रा में सही तरीके से ट्रीटमेंट हो जाने के बाद भी कई बार इसको 1 साल पूरा लगता है पूरा नया नाखून क्लियर ना सही नाखून ग्रो होने के लिए। इसीलिए फंगल इन्फेक्शन जो है काफ़ी हार्ड होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं ठीक करना, पूरी तरह से टाइम लगता है, आपको पेशेंस चाहिए, पेशेंस, राइट। दवाइयाँ क्लियर कर देती हैं आधे से ज़्यादा केसेस में फंगस को, कई बार उसमें फिर नाखून निकालना पड़ता है या फिर लेज़र लेना पड़ता है। और कई बार इवन इफ ट्रीटमेंट काम कर जाए तो फंगस वापस आ सकता है, अगर आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है या आपने केयर नहीं की, अंगूठा ड्राई नहीं रखा, अपना नाखून ड्राई नहीं रखा। तो अगर आपको फंगल नेल इन्फेक्शन है नहीं जा रहा है, या फंगस के अलावा अपना उंगली ही आपकी पैर की उंगली, हाथ की उंगली मोटी हो रही है, उसमें दर्द हो रहा है, पस आ रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना आवश्यक है, क्योंकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है एडिशनल उसके ऊपर से। सो प्रिवेंट करने के लिए क्या करें, एक अच्छी हेल्थी हाइजीनिक कंडीशंस आप अगर फॉलो करेंगे तो प्रिवेंट हो जाता है। आपको उसके लिए अपने मैनिक्योर पेडिक्योर वाले जो टूल है वो किसी और से शेयर ना करें कभी भी, और अपने वहाँ की स्किन को ड्राई रखें, क्लीन रखें, और अपने खुद के नेल्स का प्रॉपर केयर करें। जब भी अगर मान लो आपको फंगल इन्फेक्शन है, आपको खुजली हो रही है, तो हर बार अपने हाथों को धोना पड़ेगा, फंगल इन्फेक्शन को पहले ट्रीट करना पड़ेगा, राइट। इसी को फंगल इन्फेक्शन को टीनिया ऑंगुलम कहते हैं, ऑनिकोमाइकोसिस कहते हैं नेल के फंगल इन्फेक्शन को। ये पूरी जानकारी हुई जो आपको ज़रूरत है, इसे शेयर करिए, क्योंकि ये फैलता बड़ी आसानी से है। फंगल इन्फेक्शन किसी को एथलीट फुट है, किसी को नेल में है, सभी कभी साथ में होते हैं। तो एथलीट फुट अगर कोई पब्लिक शावर में, स्विमिंग पूल्स में जाएगा, तो स्विमिंग पूल के शावर से उससे आपको वहीं से हो जाएगा। सो आपको ही नहीं, पूरी पब्लिक को पता होना चाहिए ये क्या है, कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे ठीक करना है, क्योंकि वो जैसे ही दवा लेना शुरू करेंगे, उनकी इन्फेक्टिविटी, कंटेंट, जो कम्युनिकेशन हो जाने, जो फैल जाने की क्षमता, वो बंद हो जाएगी। सो इसीलिए दवा लेने के बाद वो फिर अपना आपके जा सकते हैं। तो इसीलिए सबको पता होना चाहिए। शेयर दिस वीडियो एज मच एज़ यू कैन, आग लगा दो पूरी बढ़िया से, और उसी से आप प्रोटेक्ट रहोगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है इसको ठीक करना, फंगल नेल इन्फेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम डॉक्टर परमजीत। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।